हरदोई भरावन, आपको बताते चले कि विकास खंड भरावन में हरिनाम पेंटर ने खंड विकास अधिकारी व सचिव पर भुगतान ना करने का आरोप लगाया है। हरिनाम एक पेंटर है जो कि भानपुर का रहने वाला है, सिकंदरपुर में कार्य कर रहा है। हरिनाम का कहना है कि वह 20 साल से भरावन ब्लॉक में पेंटिंग का कार्य कर रहा है। डिकुन्नी ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का हार्डवेयर सामान 15,000 का ठेका मिला था, जिसमें 5,000 ही दिया गया, बाकी का भुगतान लंबित है। डिकुन्नी में कूड़ा निस्तारण केंद्र की पुताई में 15,000 का ठेका था, उसमें भी 10,000 बाकी है। सहगवान ग्राम पंचायत में 17,000 का ठेका मिला, उसमें 7,000 दिया गया, बाकी का भुगतान लंबित है। लाला मऊ की ग्राम पंचायत में 5,000 मिला, जिसमें से 10,000 लंबित है। सचिव द्वारा जो भी कार्य करवाया गया है उसका भुगतान लंबित है। उसने अपने पास से 5 कुंतल गेहूं और 5 कुंतल धान बेचकर मजदूरों को रुपया दिया था, लेकिन खंड विकास अधिकारी व सचिव उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। पीड़ित हरिनाम पेंटर अपनी बात करने जब ब्लॉक गए तो वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित हरिनाम अधिकारियों की गाड़ी के नीचे आत्महत्या करने को मजबूर है। क्या नाम है और कम से कम रहते हैं, क्या प्रकरण है? मैं हरिनाम पेंटर बानपुर का ग्राम सभा सिकंदरपुर ग्राम पंचायत में रहता हूं, गांव मेरा बानपुर है। मैं जो है लगभग 20 साल से इस ब्लॉक में काम कर रहे हैं। आज तलक जो है पिछली पूर्व 7 साल से आज तलक हमारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। जैसे बूथ का है, सामुदायिक शौचालय का है, ये लगभग हमारा 2 लाख रुपये लमसम बकाया है। और हमने जो है अपनी लेबरी मंजूरी करके पता नहीं कैसे जीविका चला रहे। जो मेरे नीचे लेबर लगे हुए थे, मैंने अपने घर के 5 कुंटल धान और 5 कुंटल गेहूं बेच करके मैंने लेबरों को पे किया है। और अभी शेष जो है 33,000 रुपया शर्मा ढिकुन्नी हार्डवेयर की दुकान पे 33,000 रुपया आज भी विद सामान जो लाए थे आज भी संतोष शर्मा जी का बकाया हुआ है। और आज तक जो हम जिन लोगों से, सचिव लोगों से या वीडियो साहब से अगर मैं से कहते हैं कि मतलब मेरा पैसा दिया जाए, तो कह रहे मैं पूर्व पैसे का मैं कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है, या हम फांसी लगा ले, कहाँ बताओ कहाँ जाए। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। लिखिए, सर्वप्रथम डिकुन्नी ग्राम पंचायत सामुदायिक शौचालय का विद मटेरियल समेत जो मेरा ठेका था 15,000 रुपये का, 5,000 रुपया मिला था, शेष सभी 10,000 रुपया बचा है। फिर सहंगवा ग्राम पंचायत जो मुकेश जी के कार्यकाल में हुआ था, ये सचिव थे, उनके में जो 17,000 रुपये की बातचीत हुई थी, इन्होंने मुझे 7,000 रुपये दिया है, आज तक 10,000 रुपये हमारा शेष रह गया है। और लाला मऊ में जो हमारी बात 15,000 रुपये की हुई थी, तो उसमें हमें 5,000 रुपये शेष दिया गया है, 10,000 रुपये शेष अभी लाला मऊ ग्राम पंचायत में बाकी है। और उसके बाद फिर झझौली ग्राम पंचायत जो सामुदायिक शौचालय जखवा में बना हुआ है, उसमें के हमारे 7,000 रुपये बाकी हैं। और ढिकुन्नी ग्राम पंचायत में कूड़ा घर जो बना था, उसको मैंने जो है पुताई किया था, तब राज नारायण थे, वो राज नारायण सचिव जो रिटायरमेंट हो गए उनके, वो मेरे 26,000 रुपये मार के चले गए, आज तक उन्होंने भुगतान ही नहीं किया। कई बार ब्लॉक में आए और उनसे हमारी मुलाकात हुई तो कहीं पैसा दे दें, अब उनको वो रहते हैं कहीं दूर रहते हैं, ये नहीं जानते कहाँ रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब ये एक बात बताओ कि हम कहाँ जाएँ। इसीलिए DPRO जी से, जितने भी DM जी से, BDO साहब से और ब्लॉक प्रमुख से और जिला अधिकारी से और मंत्री जी से, जितने भी हमारे अधिकारी हैं लगा के मुख्यमंत्री तक, हमारा पैसा दे दिया जाए, अहो भाग्य होगी, क्योंकि हमारे लेबर, हमारे लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे जो हम ब्याज समेत पैसा दे रहे हैं। ठीक ठीक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।